सो गाइस बात करेंगे वन प्लस के ऑक्सीजन ओएस 11 अपडेट के बारे में। दोस्तों ऑक्सीजन ओएस 11 का अपडेट कौन से फोन के अंदर मिल चुका है और कौन से फोन के अंदर ऑक्सीजन ओएस 11 का अपडेट मिलेगा और दोस्तों क्या कुछ अपडेट्स निकल के आया है ऑक्सीजन ओएस 11 अपडेट के बारे में, तो आज के इस वीडियो में यही सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें यार। वीडियो बने आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, OnePlus ने अपने ऑक्सीजन ओएस 11 का अपडेट कई सारे स्मार्टफोन के लिए रोल आउट कर दिया है। इसे में अगर बात करें दोस्तों, सबसे पहले कौन से स्मार्टफोन के अंदर ऑक्सीजन ओएस 11 का अपडेट देखने को मिला, तो दोस्तों OnePlus की तरफ से आने वाला OnePlus 8T, उसके बाद दोस्तों OnePlus की तरफ से ही आने वाले OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro के अंदर दोस्तों। बट दोस्तों इन दोनों ही फोन के अंदर आपको अपडेट के बाद काफी सारी बग्स देखने को मिली, लाइक दोस्तों एसएमएस वाली प्रॉब्लम देखने को मिली थी, नेटवर्क वाली प्रॉब्लम, बैटरी ड्रेनिंग वाली प्रॉब्लम, काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी तो ऑक्सीजन ओएस अपडेट के बाद दोस्तों कई सारे यूजर्स को देखने को मिली थी। ऐसे में दोस्तों OnePlus ने बताया है कि हमने अभी ये जो सारी बग्स थी उनको फिक्स करके एक बार फिर से ऑक्सीजन ओएस 11 का अपडेट इन्हीं फोन के लिए रोल आउट कर दिया है, यानी कि OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro के लिए। अगर बात करें दोस्तों OnePlus के अदर स्मार्टफोन के बारे में, यानी कि OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro के बारे में दोस्तों, तो इन दोनों ही फोन के लिए दोस्तों इसी वीक के अंदर ऑक्सीजन ओएस 11 का अपडेट आने वाला था, बट दोस्तों इसी बग्स के चलते अभी ये पोस्टपोन कर दिया है। यहाँ पर एक रिपोर्ट के अंदर आप देख रहे हैं ऐसा बताया गया है, जो OnePlus की 7 सीरीज है उसके अंदर आपको ऑक्सीजन ओएस बहुत जल्द मिलने वाला था, बट दोस्तों आपको अब ये मिलेगा नेक्स्ट वीक, यानी कि दोस्तों आपको मिलेगा इसी दिसंबर के लास्ट वीक तक ऑक्सीजन ओएस 11 का अपडेट देखने को मिलेगा OnePlus की 7 सीरीज के अंदर। और अगर बात करें दोस्तों OnePlus Note के बारे में, तो दोस्तों OnePlus Note के अंदर भी दोस्तों अंडर डेवलपमेंटिंग चल रहा है OnePlus की तरफ से आने वाला ऑक्सीजन ओएस 11 का। दोस्तों ऐसे में आपको यहां पर एक रिपोर्ट दिख रही है दोस्तों, उसमें बताया गया था कि आपको ऑक्सीजन ओएस का 11 OnePlus Note के अंदर बहुत जल्द मिलने वाला था दोस्तों, पर दोस्तों ये भी अभी पोस्टपोन कर दिया है, बिकॉज दोस्तों इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारी बग्स देखने को मिली थी दोस्तों। इन्होंने अपने ही स्टाफ के अंदर और अपने ही कंपनी मेंबर के साथ दोस्तों ये अपडेट देके देखा है, चेक करा है और टेस्टिंग किया है पूरी ऑक्सीजन ओएस 11 को, तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी सारी बग्स देखने को मिली थी दोस्तों। तो दोस्तों सेम कंडीशन है OnePlus की 7 सीरीज के साथ और दोस्तों OnePlus Note के साथ दोस्तों, दोनों के अंदर दोस्तों टेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा बग्स देखने को मिली थी, तो ऐसे में दोस्तों ये अभी रोल आउट नहीं कर सकते हैं। आई होप इसी दिसंबर के एंड वीक तक आपको दोनों ही स्मार्टफोन, यानी कि OnePlus 7 इसके अंदर और OnePlus के Note के अंदर आपको ऑक्सीजन ओएस 11 का अपडेट देखने को मिल सकता है। अगर ऐसे में बात करें दोस्तों OnePlus 6 और OnePlus 6T के बारे में, तो दोस्तों अभी तक कंपनी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है ऑक्सीजन ओएस 11 अपडेट रिलेटेड, बट दोस्तों इस फोन के अंदर भी आपको ऑक्सीजन ओएस 11 का अपडेट जरूर से देखने को मिलेगा। अदरवाइज दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों फोन के बारे में और आपके पास कौन सा स्मार्टफोन है OnePlus का, नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो दोस्तों इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आपके साथ। अगर इन्फॉर्मेशन में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। वीडियो बने आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कीप सपोर्ट, कीप लव, हैव अ गुड डे।